इंस्टेंट लोन ऐप यानी बगैर ज़्यादा लिखित पढ़त के चंद घंटों में ही फटाफट लोन देने वाले ऐप्स पिछले 2-3 सालों से अपना जाल खूब दिखा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक साल 2020 में साइबर अपराध के कुल मामलों में से 60.2% मामले फर्जीवाड़ा के थे। हालात ये हैं कि प्ले स्टोर में हजारों की संख्या में अवैध लोन ऐप मौजूद हैं। रिजर्व बैंक की साल 2021 की रिपोर्ट लें तो पता चलता है कि केंद्रीय बैंक की जनवरी और फरवरी में 81 ऐप स्टोर्स में लगभग 1100 लोन ऐप मौजूद हैं, जिसमें से करीब 600 ऐप अवैध हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बीते हफ्ते परिवर्तन निदेशालय ने 12 MBSE के खातों में पड़ी 105 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि को जब्त करने के आरोप हैं। इन कंपनियों के चीनी नागरिकों के साथ संबंध हैं। कंपनियों ने चीन की निवेश करने वाली कंपनी फिनटेक कंपनी की मदद से 4000 करोड़ के लोन दिए और 800 करोड़ रुपए का ब्याज कमाया। सवाल ये है कि लोग इन फटाफट लोन स्कीम्स में कैसे फंस जाते हैं। दरअसल डिजिटल क्रांति में इस दौर में बैंकिंग सेवाओं में डिपॉजिट और ट्रांसफर पेमेंट तो चुटकियों में हो जाती है, लेकिन अगर आपको कर्ज या लोन की दरकार है तो आपको विश्वसनीय संस्थाओं से लेना अभी भी इतना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जरूरी दस्तावेज का अभाव रहता है। बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनके पास बड़े बड़े पैमाने पर छोटे कर्ज देने का कारगिल मॉडल अब भी तैयार नहीं है। शायद इसी कमी का फायदा फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी उठा रही हैं और ग्राहक की सुविधा को ही अपनी खासियत बना रही हैं कर्ज देने वाले। ये ऐप आमतौर पर 1-2-0 फॉर्मूले पे काम करती है, यानी कि फैसला लेने के लिए 2 मिनट, पैसा ट्रांसफर होने में 1 मिनट और मेन मुलाकात भी 0 इन ऐप के प्रति आकर्षित करने वाली बात ही है। कि कर्ज लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ता। इसी लालच में खतरे भी छिपे होते हैं कई लोन ऐप रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त नहीं होते, यानी गैर कानूनी होते हैं। इनमें से कई का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और डाटा चुराने के लिए हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ये ऐप्स काम किस तरह करते हैं। ऐप्स डाउनलोड करते समय इमेज और कंटेंट एक्सेस की अनुमति देनी होती है। ये ऐप्स 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक की छोटी सी राशि कर्ज देते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम काटते हैं। तकरीबन 70-80% रकम अकाउंट में ट्रांसफर होती है। लोन पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। लोन समय पर ना चुकाने पर पहले दिन से ही पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। कर्ज उगाही के लिए लोगों को ब्लैकमेलिंग और धमकाया जाता है। कई बार कर्जदारों की तस्वीरों को मॉर्फ करके रिश्तेदारों को भेजने के भी मामले सामने आए हैं। साल 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल माध्यम से कर्ज सीधे कर्ज लेने वालों के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। हालांकि चीनी ऐप्स की गतिविधियां जारी हैं और बेल अब तक निष्क्रिय हो चुकी है। NBFC के माध्यम से अपना कारोबार कर रही साइबर मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या धमकी दे तो कानूनी कदम उठाएं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और कानूनी सलाह लें। सोशल मीडिया और किसी भी ऐप पर अपनी निजी जानकारी ना दें, कतई साझा ना करें। इसी तरह की और अपडेट सीखने के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। धन्यवाद।